अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। पायल रोड के एक भारतीय अभिनेत्री है, वो कई मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं जिसके कारण कई मुद्दों पर उन पर एफआईआर हुआ है। पायल रोहतगी का जन्म 9 नवंबर 1985 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता शशांक रोहतगी एक पूर्व केमिकल इंजीनियर है। उनकी माँ बीना रोहतगी एक पूर्व सुपरवाइजर शिक्षक है। उनका एक भाई गौरव रोहतगी है जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के उड़गाम स्कूल और ट्रिनिटी इंग्लिश स्कूल से की है। स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद पायल बीटेक में कंप्यूटर पढ़ाई करने के लिए लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चले गए। वह बचपन में खेल में अच्छे थे और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई खेल प्रतियोगिता में जीते थे। 2000 में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, दिया मिर्जा के साथ फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने मिस टूरिज्म वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें 2001 में सुपर मॉडल मिस टूरिज्म वर्ल्ड का ताज पहना गया। पायल रोहतगी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पायल रोहतगी 2011 से भारतीय पहलवान संग्राम सिंह को डेट कर रहे थे। इस जोड़ी ने 27 फरवरी 2014 को अहमदाबाद में एक दूसरे से सगाई कर ली है। पायल रोहतगी ने 2001 में अमूल, नेस्कैफे, निरमा, जागर बाथ पैनल और डाबर हेयर ऑयल जैसे लोकप्रिय ब्रांड के लिए मॉडलिंग करके एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। कैडबरी के टेम्पटेशन चॉकलेट्स के टीवी विज्ञापन की विशेषता के बाद वो सुर्खियों में आए। इसके बाद वो सिल्क रूट, रॉक बैंड और इंडी पॉप कलाकार कृष्णा कुमार कुनत के कुछ संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 2002 में पायल ने बॉलीवुड फिल्म ये क्या हो रहा है से अपना अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ईशा की भूमिका निभाई। इसके बाद वो प्लान, रक्त और 36 चाइनाटाउन जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। 2006 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कॉर्पोरेट में एक आइटम गीत में अभिनय किए। उन्होंने 2010 में वंदना सजनानी के नाटक फोरप्ले से अपने थिएटर की शुरुआत की। वह कई रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 2, राज पिछले जन्म का, जोर का झटका, टोटल वाइप आउट और सर्वाइवर इंडिया जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। 2015 में वह अपने मंगेतर संग्राम सिंह के साथ डांस रियलिटी शो नाच बोले सीजन 7 में दिखाई दिए। 2013 में उन्होंने रियलिटी टीवी शो वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की जीते। वह कई टीवी धारावाहिक जैसे हमने लिए शपथ, हम सफर और सूर्यपुत्र कन्ना में भी दिखाई दिए है। 2014 में वो राष्ट्रगान का हिस्सा बने जिसे डायरेक्टर राजीव वाले ने शूट किए थे। पायल अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए फर्जी खबरें और अस्पष्ट थ्योरी शेयर करते हैं। वो 2019 के हैदराबाद सामूहिक बलात्कार के सांप्रदायिकरण के लिए एक सप्ताह के लिए उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने इसे सुधार लिया जब पायल ने मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस को इस मामले की जानकारी दी, जिन्होंने उनके लिए समर्थन की आवाज उठाई। पायल ने केरल के जल प्रलय पर अपने विचार साझा करने के लिए विवाद को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ इस तथ्य पर भगवान के क्रोध का परिणाम है कि राज्य ने ग्रो होते पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पायल ने जायरा वसीम पर आलोचना की जब उन्होंने उसे इंडस्ट्री से बाहर करने की घोषणा की। उन्होंने मालिशियस कंटेंट पोस्ट किए और विभिन्न धार्मिक ग्रुप के बीच दुश्मनी पैदा किए, जिसके लिए उसी द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया गया था। 2019 में वो अमीषा पटेल, कोयना मित्रा, रश्मि देसाई और सीता शुक्ला जैसी हस्तियों को बेरोजगार बोलने के लिए विवाद में आए। उन्होंने खुद को बेरोजगार भी कहे। अक्टूबर 2019 में पायल ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बच्चे नहीं थे, लेकिन एक अन्य व्यक्ति के साथ कमला नेहरू के अवैध संबंध से पैदा हुए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियां थे। युवा कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज किया, जिसके बाद उन्हें 15 दिसंबर 2019 को बूंदी पुलिस ने राजस्थान में हिरासत में ले लिए। वो एक ट्रेंड कथक नर्तकी है। उन्होंने पंडित बीरू कृष्ण से अपना ट्रेनिंग प्राप्त किया है। रोहतगी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की दिल्ली स्थित एनजीओ के ब्रांड एम्बेसडर है। 2012 में पायल ने आरोप लगाया कि उन्हें डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी और अनुराग कश्यप द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए
क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।